गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप फाइन होंगे आप लोग। खूब अच्छी तैयारी लाइब्रेरी की आप लोगों की चल रही होगी। यूट्यूब के बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि आप लोगों को टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, और देखो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने अपना काम जो है वो जारी रखा है। और मैं जो अनाउंसमेंट करने आई हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो है वो सेकेंड मॉक टेस्ट आपका जो है लाइब्रेरी का करने जा रहे हैं। वो कब कर रहे हैं? 28 अक्टूबर को सुबह 10 AM पे, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी अनाउंस कर रखा है कि ये हमारा टेस्ट होगा। और जो टेस्ट ये हमारा है, ये बेसिकली राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं लोग थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की, ये उनके लिए है, ठीक है? राजस्थान की जो तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये फुल जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर एक पेपर ऑलरेडी हमने पहले भी किया था। पेपर की क्वालिटी आप लोगों ने देख लिया था। कल हम लोग जो है वो दूसरा पेपर करेंगे। इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चंस राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से है। आपके 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से है, और 100 क्वेश्चंस आपके लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर से है, ठीक है? तो टोटल अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसको करने का टाइम कितना होगा? 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर होगा। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरी के लिए जिस प्रकार से, जिस पैटर्न पे, जिस तरीके से आता है, उसी पैटर्न पे ये आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग इसको कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक भी अस्तित्व एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाएं, और प्ले स्टोर पे आपको ASTITVA अस्तित्व इस नाम का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे हमारे कोचिंग का बना हुआ। आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस तरीके से आप फेसबुक, व्हाट्सएप, हाइक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जैसे भी आप आईडीज बनाते हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आप सिंपल तरीके से अपना फोन नंबर, अपना मेल आईडी, अपना नाम, अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर जिसको आप डीपी कहते हैं, आप वहां पे लगाते हैं। उसी तरीके से ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप अपनी पूरी डिटेल वहां पे डालिए। जब आप पूरी डिटेल डाल देंगे तब आपसे एप्लीकेशन बैच नंबर मांगेगा। जिस समय आप अपना पूरा प्रोसेस थ्रू कर लेंगे, हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, और कल सुबह 7 बजे तक जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई होगी, मैं आपको लाइब्रेरी साइंस नाम के बैच में ऐड कर दूंगी। और जब भी आप उस एप्लीकेशन को खोलेंगे, लाइब्रेरी साइंस सबसे पहले आपका जो है वो बैच दिखेगा। उसके अंदर जा करके आप उसको क्लिक कीजिएगा, टेस्ट के ऑप्शन में जाइएगा, और ये टेस्ट आप देने में सक्षम हो पाएंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई बाधा आती है टेस्ट को करने के लिए, तो आप मुझे कल कॉन्टैक्ट करेंगे 8003180030। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अभी आप देख रहे होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उसकी स्क्रीन पे भी ये नंबर मेंशन है। आप इस नंबर पे इंस्टेंटली कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो कल आप लोग ये टेस्ट कीजिए। अब मैंने आपको बोला ये 3 घंटे का होगा, मैंने आपको ये भी बोला कि ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का लास्ट टाइम भी ये कंसीडर किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 बजे पेपर नहीं दे पाते हैं। संडे का दिन होता है, सबकी अपनी फैमिलीज हैं, सबका अपना घर है, काम धाम होता है,
तो इस चक्कर से 10 बजे प्रेफरेबली मतलब एक फिक्स टाइम जो है करने पे बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इस टेस्ट को हमने ये 10 AM रखा है, 10 AM टू 10 PM, यानी कि प्रातः 10 बजे से रात के 10 बजे के बीच आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और रात को एंड टाइम 10 बजे है, तो आपको चूंकि ये 3 घंटे का पेपर है तो 7 PM तक ये टेस्ट आपको प्रारंभ कर देना पड़ेगा। अगर आप 7 बजे टेस्ट को नहीं शुरू करते हैं तो 7 बजे के बाद ऑटोमेटिकली ये ओपन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है ना टेस्ट का। तो 10 बजे अगर हमने लास्ट टाइम रखा है तो 7 बजे आपको इसको शुरू करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 10 से 10 का टाइम है, बट 10 बजे स्टार्ट करने का है और लास्ट अटेम्प्ट लेने का टाइम आपका 7 बजे का है। जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करेंगे, इस बार आपका ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम को हमने ऑन कर रखा है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे टेस्ट का ग्रेड आएगा एंड सॉल्यूशन अगेन हमने म्यूट किया हुआ है, सॉल्यूशन आपका म्यूट रहेगा, क्योंकि पिछली बार सॉल्यूशन हमने ऑन किया था और बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस मेरे को देखने को मिले थे। कुछ तो एप्लीकेशन पे डिस्टर्बेंस आ गया था और कुछ जो है रिजल्ट के अंदर भी घपलेबाजी, घाला मेली और डिस्टर्बेंस हुए थे, तो ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते हैं, इसलिए सॉल्यूशन को हमने म्यूट कर दिया है। आप पेपर देंगे, पेपर देके सबमिट करेंगे, आपको मार्क्स पता चलेगा, आपका ग्रेड पता चलेगा, आपकी रैंक भी पता चलेगी। रैंक का PDF मेरे पास आएगा। जैसे ही आपका ये टेस्ट एंड हो जाता है 10 बजे के बाद, मेरे पास PDF अवेलेबल हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो एप्लीकेशन पे आप लोगों से शेयर कर सकूं, तो मैं उस PDF को आप लोगों के पास डाल दूंगी, आप लोग अपनी रैंक उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे पिछले बार जो है, जैसे ही टेस्ट हो गया था, मैंने ज्योग्राफी का सॉल्यूशन ज्योग्राफी के हमारे फैकल्टी जो दिनेश सर हैं उनसे कराया था। हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन महरिया सर ने आपको कराया था। और जो हमारा लाइब्रेरी और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, पवन सर ने कराया था। तो इस बार भी ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 25 ज्योग्राफी के और 100 लाइब्रेरी और कंप्यूटर के, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको YouTube पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपका हमारा मोटिव ये है कि जो क्वेश्चंस रटने वाला जो हिसाब किताब है आपका थोड़ा सा खत्म हो। भले आप कोचिंग नहीं आ रहे हैं, बट हम बढ़ चढ़ करके ये विश्वास रखते हैं कि अगर उसको क्वेश्चंस को समझा दिया जाए, सॉल्व करा दिया जाए, तो वो मुझे लगता है कोचिंग नहीं आने के एवज में कुछ न कुछ आपके पास मिलेगा जो ऑथेंटिक होगा। क्योंकि हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने में हम चारों ऑप्शन को बिल्कुल केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं। जब हम उसका विश्लेषण कर लेते हैं तो विश्लेषण से हम किसी न किसी एक सही नतीजे पर पहुंचते हैं और वही हमारा सही उत्तर होता है। तो जो सॉल्यूशन हम कराएंगे, सॉल्यूशन में एग्जैक्टली अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन कहीं मिस हो रहा है, कहीं कुछ त्रुटि आ रही है, कहीं कोई गलती आ रही है, तो सॉल्यूशन में वो 100% क्लियर हो जाता है। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, टेस्ट के बाद जब सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का वीडियो 1x1 मैं पहले जैसे मैंने किया था वैसे ही वापस अपलोड करूंगी। आप लोग उसको जो है देखिए और देख करके कम से कम ये 150 questions के लिए आप निश्चिंत रहिए। कम से कम ये 150 questions अगर आपके तैयार होते हैं तो आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन की ओर जा रहे हैं, आप एक अच्छी तैयारी की ओर जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल आपको पेपर करना है, ऑनलाइन कीजिए और रिस्पॉन्स मैंने आपको पहले भी बोला है, रिस्पॉन्स अपना देखते हैं किस तरीके का क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑफलाइन भी इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराने का प्लान कर रही हूँ। तो हम लोग लेटर ऑन इसको जो है ऑफलाइन भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और जहां तक एग्जाम की बात है, मैंने बहुत सारे बच्चों को बैच में भी परेशान होते हुए देखा है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं, वहां पे भी वो कह रहे हैं, वहां पे वो कह रहे हैं। बेटा आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रही हूँ, किसी के कहने में आपको जाना ही नहीं है।
आप लोग समझदार लोग हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे इनफैक्ट बच्चे हैं। आप लोगों को किसी के भी कहने में नहीं जाना है, चाहे वो कोचिंग वाला हो, चाहे वो कोई ट्यूटर हो, चाहे कोई वो एजुकेटर हो, कोई भी हो, किसी के भी कहने में आपको एग्जाम के लिए नहीं जाना है। आपको केवल और केवल आदत डालनी है, सप्ताह में 2 से 3 बार आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट देखिए। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आप जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, जितने भी स्पेशली लाइब्रेरी के ग्रुप्स बने हुए हैं, सारे के सारे बेकार ग्रुप हैं, वाहियात ग्रुप हैं, किसी भी ग्रुप में आपके लिए कंटेंट नहीं होते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस कि आप उस ग्रुप के फाउंडर को नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल उसके बारे में नहीं समझते हैं, आप ऐसे ग्रुप से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स में केवल गाली गलौज ही होती है। उसमें पढ़ाई और आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पोस्ट की जाती है। उसमें कोचिंग्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स को देखा, हालांकि मैं भी कोचिंग चलाती हूँ, मेरा अपना भी कोचिंग चलता है, लेकिन मेरे अपने कोचिंग के जो बच्चों का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी मैं कभी भी, बहुत रेयर मैं आपको बताऊं, उसमें भी हम लोग कभी भी नए बैच के अनाउंसमेंट नहीं डालते हैं। तो नहीं डालने का रीजन ये होता है कि हमें इन सब चीजों की परवाह ही नहीं है। जो हमारा बैच है वो हमारे क्वालिटी से चल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिटी से आ रहे हैं। हम कितना भी एडवर्टीजमेंट डालें, एडवर्टीजमेंट से स्टूडेंट्स नहीं जुड़ सकते हैं। आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, वो एडवर्टीजमेंट से नहीं जुड़े, किसी भी विज्ञापन से नहीं जुड़े, आप मेरे साथ मेरी क्वालिटी से जुड़े हैं। आपने सुना, आपने वीडियो देखा, आपने रिव्यू किया, आपने सब कुछ देखा, तो आपको कुछ ना कुछ पसंद आया है, तब जाके आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इन सब चीजों को छोड़िए। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, मैंने देखा है फेसबुक के ग्रुप्स में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइब्रेरी के लिए सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है, कोई बताएगा क्या? तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस कोई उठाता है, तो कौन उठाता है? उसके जितने मेंबर्स हैं, क्या आप हर मेंबर को पर्सनली जानते हैं? नहीं जानते हैं आप हर मेंबर को, नहीं जानते हैं। अगर आपने किसी और का सजेशन दिया, तो वो जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने सारे नाम आप उसके सामने सभी लोग प्रेजेंट कर देंगे, वो कौन सा ज्वाइन करेगा? वो ज्वाइन तो वही करेगा जो उसको मतलब जिसको वो जान रहा है। तो इन सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है, और इतना समय नहीं होना चाहिए आपको, आपके पास इतना समय भी नहीं होना चाहिए कि आप इसको वेस्ट कीजिए। आप दिन के 2 घंटे, दो नहीं तो भी आप 1.5 घंटा अपने ज्योग्राफी के लिए, 1.5 से 2 घंटा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बार लगाइए, देन उसके बाद आप आधे 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसके बाद लाइब्रेरी और कंप्यूटर पे कम से कम 2 घंटा आप पर डे दिया कीजिए। अगर आप मेरे इस शेड्यूल को भी फॉलो करते हैं, तो 24 घंटे के आप 6 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, 8 घंटे की आप अच्छी नींद लीजिए, 24 घंटे में से 14 घंटे तो आपके ऐसे ही निकल गए। अब बचे 10 घंटे, तो 10 घंटे में नौकरी वाले अपनी नौकरी करो, घर संभालने वाले अपना घर संभालो, आपको कहाँ टाइम है कि आप इन सब फालतू की चीजों में पढ़ते हैं? तो इन सब फालतू की चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के लिए अपने आप को जांचना है। हर वीक हम 2 टेस्ट सीरीज आपको पेश कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। खूब कीजिए, खूब कीजिए, खूब कीजिए, क्योंकि बस वही बात होती है, टेस्ट जो शुरू किया वो हमने शुरू किया, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि वही बात है, मार्केट में बोलबाला उसी का चलता है जो मार्केट में पहले होता है। तो टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया, लेकिन आगे मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, हर कोई टेस्ट सीरीज कर रहा है। हमने सॉल्यूशन कराना चालू किया, लोगों ने भी सॉल्यूशन कराना चालू किया। हमने यूट्यूब पे वीडियोस डालना चालू किया, लोगों ने भी वीडियोस डालना चालू किया, लेकिन उनके इस तरीके के काम करने से ना मेरी क्वालिटी बिगड़ेगी और ना ही उनकी क्वालिटी सुधरेगी। तो सब अपनी अपनी जगह है, आपका काम है जहां से आपको कंटेंट मिलता है, आपको जहां से भी अपने पढ़ने के लिए कंटेंट मिल रहा है, आपको जहां से भी सीखने के लिए टेस्ट मिल रहा है, आप उन सब जगहों पे खूब इत्मीनान से ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि आपको प्रयास करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप इन सब चीजों के लिए काम कीजिए, आप इत्मीनान से अपने टेस्ट को दीजिए, और टेस्ट के बाद, कल टेस्ट हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी परसों यानी कि मंडे या ट्यूसडे को, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं लाइव स्ट्रीम हूं और आप लोग मुझे बताएं कि किसके क्या रैंकिंग आई है।
मैं तो बताऊंगी ही, बट अगर आप लोग चला करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, ईमानदारी से अटेम्प्ट करो। ईमानदारी से अटेम्प्ट किया हुआ 0 नंबर भी बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। अगर आपने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है तो आपका अगर 300 में से 0 नंबर भी आता है तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा कि एटलीस्ट आपने कुछ भी गलत अटेम्प्ट करके माइनस में अपने स्कोर को नहीं लिया। तो माइनस से 0 भला होता है। अगर आप 300 में से 10 नंबर भी लाते हैं उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, वो आपकी ईमानदारी से होगा। आपने जितना पढ़ा हुआ है जितना समझा हुआ है वो मार्क्स उनके बीच से होंगे, तो ये आपको सेटिस्फेक्शन देंगे। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है एजुकेशन की फील्ड में। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइन में हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आत्म संयम और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही आगे पॉजिटिवली कोई काम हो पाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप जैसे पहले के पेपर्स में लोग करते थे, 1 नंबर से सबमिट करने के बाद दूसरे नंबर से टिप 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 करने लगते थे, टॉप रैंक में आ जाते थे, आप वैसे ही आओगे। लेकिन वैसे आ करके आप मुझसे बहुत अच्छी चीज कमा नहीं रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है ना? तो इस तरीके का काम आप मत कीजिए एंड खूब आराम से कीजिए। जितनी भी गर्ल्स हैं बेटा।